हेलो प्यारे बच्चे, मैं सुनील स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में। और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, जुटे हुए होंगे। तो हम अपनी इस मैथ की क्लास में एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नए जोश के साथ। और नया टॉपिक है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या टॉप है, क्या होता है यूनिट प्लेस डिजिट, इसके बारे में जानते हैं। तो यूनिट प्लेस यानी जो सबसे अंतिम अंक होता है, इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक कोई एक कैलकुलेशन होगी और उस कैलकुलेशन में बिल्कुल अंतिम अंक हमारा क्या होगा, बस यही जानना है, इसी को हम कहते हैं अंतिम अंक भी कहते हैं और इकाई का अंक भी कहते हैं। यदि हम इसे अंतिम अंक भी कहें, अंतिम अंक, तो भी वही बात है। तो किस तरह के इस पर क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से अंतिम अंक हम निकालते हैं, ये जानते हैं। कुछ क्वेश्चन के साथ ही हम शुरुआत करते हैं, यही सबसे अच्छा रहेगा। तो हम लेते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन 584 × 428 × 667 × 213। यानी एक गुणा दी है आपको, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है इस पूरी गुणा में। पूरी गुणा नहीं करनी है, अंतिम अंक ज्ञात करना है। तो अंतिम अंक जब भी हम ज्ञात करते हैं तो थोड़ा सा हम समझते हैं, अंतिम अंक जब भी ज्ञात करते हैं तो हम अंतिम अंक में केवल अंतिम अंक की बात करते हैं, 8735। इसमें अंतिम अंक क्या है, ये जो 5 है ये अंतिम अंक है। जैसे मैंने लिखा 527 × 396। अब अंतिम अंक क्या है, तो अगर अंतिम अंक की बात करें तो ये अंतिम अंक है और ये अंतिम अंक है। तो इस गुणा में हम केवल अंतिम अंक की बात करेंगे, इन दोनों की गुणा क्या हुई 42, और 42 में भी अंतिम अंक क्या आया 2, तो अंतिम अंक हमारा हो गया 2। बेहद आसान है। इसी तरह से हमें आगे चीजें करनी है। तो आते हैं अपने सवाल पर वापस दोबारा से, ये तो इसमें भी हमें अंतिम अंक करना है, केवल अंतिम अंक पर ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 584, तो 584 में हमको जो ध्यान करना है वो किस पर करना है, 4 पर। क्यों, क्योंकि हम निकाले यूनिट अंक रहे हैं और यूनिट डिजिट क्या होती है, अंतिम अंक होती है। दूसरा किस पर ध्यान करना है, इस पर, फिर 7 पर, फिर 3 पर। बीच में सभी में क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करनी है। जैसे अब सभी मल्टीप्लाई है, अच्छा मल्टीप्लाई से अलग कुछ और होता है तो हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। फिलहाल सभी मल्टीप्लाई है तो इसे करते हैं 4 × 8, कितना होता है 4 × 8 हो गया 32। तो अब हम केवल 2 लेंगे, 2 × 7 14, अब 4 लेंगे और 4 × 3 12, तो 2 लेंगे और लास्ट में हमारा आंसर क्या आया 2। ये ही हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। अब देखो ये हम इसको एक तरीका ये है कि लिख के करें, लेकिन एक हम वहां के साथ कर सकते हैं। जो भी अंतिम अंक थे, हमारे अंतिम अंक था 4, 4, 8, 7 और 3। अब ये हमने गुणा कर ली, 4, 8, 32, यहां से 2 आया अंतिम अंक, 2 × 7 = 14, यहां से 4 आया और 4 × 3 = 12, यहां से 2 आया और ये ही हमारा आंसर हो गया। अब ये इस तरह से लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए कहा है। जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल यहीं पर है जहां क्वेश्चन है वहीं सॉल्व कीजिए उसको, लिखने में हमेशा समय लगता है। और बस यूनिट अंक को लीजिए, बाकी को सोचिए कि है ही नहीं, बस साइन ध्यान रखने हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, अंतिम अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है।
तो बताइए फटाफट, बेहद आसान है। हाँ बच्चों, हो गया होगा सभी का, और जिनका क्वेश्चन हो गया हो वो फटाफट शेयर कर सकते हैं और लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां देखते हैं हम, सबसे पहले अंतिम अंक लेने हैं, बस 8 नेम 72। अब 72 नहीं लेना है हमें, केवल 2 लेना है। तो 2 × 6 = 12, तो 12 में क्या लेना है, केवल 2 लेना है, और 2 × 2 तो कितना हो गया 4। अब ये 4 ही क्या है, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बेहद आसान है, लेकिन क्या इतने ही क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन तो थोड़े और भी अधिक आ सकते हैं। अब इसमें पावर भी आएंगी और सब चीजें आएंगी, तो ये बड़ी आसानी से कर लेंगे, सभी का आंसर आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन, इकाई का ज्ञात करना है आपको इस फंक्शन में। अब इस फंक्शन में हमको ध्यान देना है, हमारा गुणा भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, सब चीजें हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप एक तरफ से चल दिए कि करते हुए चले गए, नहीं, आप निकाल इकाई का अंक रहे हैं, लेकिन बोर्ड मास का रूल हम फॉलो करेंगे। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है बच्चों, पहले सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, फिर सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं आप, फिर आप ऑफ यानी का सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड यानी भाग सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, और फिर एडिशन यानी जोड़, और फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। इस तरह से बोर्ड मास का रूल है, हम सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में रह कर देते हैं और यूज नहीं करते हैं। तो अब इसमें आप लेने तो हमको अंतिम अंक ही है, मतलब केवल हमारा अंतिम अंकों से है और किसी से नहीं है, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, कोष्टक का ध्यान रखना है। तो बच्चों क्या सॉल्व करेंगे इसमें, सभी में सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक आता है, तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो इसको इससे घटाइए, अब 3 से 5, लेकिन आप इकाई का अंक निकाल रहे हैं ना, तो प्रॉपर माइनस करेंगे इसको, प्रॉपर माइनस करो कितना आता है, या सिर्फ इतना कर लीजिए, इधर से एक दहाई ली, 13 13 से 5 गए तो कितने आ गए, 8, यहां से मुझे इकाई का अंक मिला 8। अच्छा, यहां इंटू है, अब इसके बाद हम सारे इंटू खत्म करेंगे, इधर 9 है इकाई का अंक, ये 3 है, ये 6 है, और ये 8 है, और इधर क्या है 5। अब पहले इंटू करने हैं, गुणा कहां कहां है, एक तो ये रही गुणा, और कहां, और जो यहां से और यहां जो आएगा ये गुणा है, यानी 8 × 6 = 48, ठीक है। तो यहां से 8 आ गया, अभी प्लस 3 ऐसा ही लिखे रहने देंगे, प्लस 9 नहीं, 9 × 72, तो ये हो गया हमारा 72 72, और प्लस 5, अब केवल प्लस रह गए हैं, और इकाई के अंक लेने हैं, 8 और 3 = 11, और 2 = 13, और 5 = 18, 18 18 में भी क्या है इकाई का अंक, केवल 8, तो हम 8 को ही सॉल्व कर आंसर हो जाएगा। ये चीजें समझ में आई होंगी आप सभी को, तो बोर्ड मास का हमको अच्छे से फॉलो करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। यहां सबसे इधर हमें माइनस दिखाया है, लेकिन क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना है। तो बच्चों पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे, और फिर प्लस करेंगे। यूनिट प्लेस में एक बड़ी खास बात है, यूनिट प्लेस के क्वेश्चनों में डिवाइड नहीं आता है, ये डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नॉर्मल डिवाइड नहीं आता है, आपका प्लस होगा, माइनस होगा, और इनटू होगा, ब्रैकेट होंगे, बस डिवाइड नहीं आएगा यूनिट प्लेस में।
तो ये समझ में आई चीजें, आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट इन 7 की पावर 105, 7 की घात 105 में इकाई का अंक या अंतिम अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब जो घात वाले क्वेश्चन होंगे, अभी तो 7 की पावर लिखा है, कोई भी पावर लिखी हो सकती है, तो इसके लिए हमको क्या करना है हम समझ लेते हैं। इसको आपको कोई भी संख्या दी होगी, कोई भी संख्या दी होगी, सपोज एक्स है, और उस पर यहां घात लिखनी है। अब ये जो घात है या पावर है, ठीक है, एक्स पर कोई भी पावर होगी, इस पावर की वैल्यू बड़ी बड़ी होंगी और इतनी पावर हम सॉल्व नहीं करते हैं, तो हमें पावर कितनी सॉल्व करनी है? तो बच्चों ध्यान से देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कोई भी यहां संख्या होगी, उस संख्या का क्या लेना है, केवल और केवल अंतिम अंक लेना है, और जो भी घात लिखी हो, जो भी घात यानी कि पावर लिखी हो, उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करके क्या ज्ञात करना है, शेष। हमको रिमाइंडर निकालना है। अच्छा जी, यदि रिमाइंडर 1 आता है तो हमको घात भी कितनी रखनी है, 1। रिमाइंडर 2 आता है तो हमको घात 2 रखनी है। रिमाइंडर 3 आता है तो घात 3 रखनी है, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है तो घात 4 रखनी है, और रिमाइंडर 5 आए तो फिर से 4 की भाग कर दो, 1 रह जाएगा, है ना। तो 4 से 3 से बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, और हमें घात मैक्सिमम कितनी रखनी पड़ेगी, 1 से लेकर 4 तक, इससे बड़ी घात कभी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और ये घात भी हमको किस पे रखनी है, केवल इकाई के अंक पर। और बात करते हैं 4 से भाग, तो 4 से भाग के लिए क्या करते हैं, 4 की भाग जो होती है वो केवल अंतिम 2 अंकों में होती है। किस में होती है बच्चों, अंतिम 2 अंकों में। 4 की भाग, हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि जो शेष अंतिम 2 अंकों में बचेगा वही शेष पूरी संख्या में भी बचेगा, तो अंतिम 2 अंकों में ही 4 की भाग करनी है। आते हैं वापस क्वेश्चन पर और समझते हैं एक बार फिर से। इकाई का अंक याद करना है हमें 7 की पावर 105 पर। अब 105 तो एक बड़ी संख्या हो गई, इतनी पावर तो हम नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड 4 से कर देंगे अंतिम 2 अंक में। तो क्या शेष बचेगा, 5 में 4 की भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 1। अरे 5 में बड़ा सिंपल है, 5 में 4 की भाग करी, 4 एकम 4, 1 शेष बचा। जो शेष बचेगा वही घात रखनी है, किस पर, अंक पर, यही बताया था। तो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 ही होता है, बस यही आंसर होगा। तो याद रख लेना है हमेशा पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, वो छोटी हो जाएगी और फिर वही पावर हमको रखनी है यहां पर। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, या मैं यहां से कहूं आपसे, मैंने कहा 8 की पावर 14, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, 8 की पावर 14 इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा, 2, तो 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 कितना होता है, 64, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया, 4, यही आंसर हो गया। बेहद आसान चीजें हैं अगर आप अच्छे से करेंगे तो। देखते हैं कुछ और, आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए कि घात को 4 से भाग करना है और शेष 1, तो 1 शेष 1 होगा, तो 1 घात रखनी है, 2 है तो 2 रखना है, 3 है तो 3 रखना है, और कोई शेष नहीं बचता है तो 4 रखनी है, 4 से ज्यादा कभी नहीं आएगी। आते हैं एक और क्वेश्चन पर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन
3157 की पावर 754, बड़ी सी संख्या हो गई, लेकिन हमें बड़ी संख्या तो होती ही नहीं ना यूनिट प्लेस में, क्यों? क्योंकि हम तो इकाई का अंक लिख लगा रहे हैं, आगे कितनी ही संख्या लिख दे। अब इसने लिखा है कि पावर 754। अच्छा जी, अब इसके स्थान पर ये कुछ आगे और भी लिखता, यहाँ पे 2 लिखता, यहाँ पे 5 लिखता, कुछ इतनी बड़ी संख्या लिखता, और या यहाँ पर, तो हमें तो अंतिम अंक ही लेना था ना तब भी, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इकाई अंक, तो हमको तो अंतिम अंक लेना था 7। ठीक है, बात करते हैं घात की। घात यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता, सपोज ये 1754 घात होती इतनी बड़ी, हमें तो अंतिम दो अंकों में क्या करना है, 4 से भाग। अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 4 एकम 4 बचा 1, 14, 4 तिया 12, 2 शेष बचे, और शेष निकालना है, शेष कितना बचा 2, वो ही रखना है। तो ये चीजें समझ में आई होंगी, अंतिम अंक लेना है घात के अंतिम दो अंकों में 4 के भाग करके देना है, ये घात हो गई 2, जो शेष बचे वो लिखना है, और 7 की पावर 2 होता है 49। तो इसमें भी अंतिम अंक आ गया हमारा 9, और यही हो गया हमारा आंसर। कितने आसान चीजें हैं, ठीक है, और कुछ आगे देखते हैं क्वेश्चन। 3 की पावर 57 × 6 की पावर 41 × 7 की पावर 63, ये सब मल्टीप्लाई करना है और फिर इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी हमने बताया कि 4 की हम पावर करते हैं, लेकिन यदि अंतिम अंक पर क्या हो, ये ध्यान देते हैं बच्चों, 1 हो, 1 पर कितनी भी पावर करो, 1 1 1 ही आने वाला है। अंत में 5 हो, 5 पर कितनी भी पावर करो, 5 फिर 25 फिर 125 फिर 625, 5 ही आना है। 6 पर कितनी भी पावर करो, 6 फिर 36 फिर 6 216, ठीक है, 6 ही आना है, और एक और क्या है, 0। ये 4 अंक ऐसे हैं, इन पर कोई भी पावर हो, यदि इन पर कोई भी पावर हो तो ये नहीं बदलते हैं, लिख लेंगे इस बात को। इन अंकों पर कोई भी घात या पावर हो, इन अंकों पर कोई भी घात या पावर हो तो ये नहीं बदलते हैं, है ना। तो बताइए, कोई भी घात या पावर हो इनका इकाई का अंक नहीं बदलता है, कोई भी घात या पावर हो इनका इकाई अंक या अंतिम अंक वही रहता है। तो अब देखो ये चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, है ना, ये एक नोट आपने लिख लिया, और क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, 6 की कहीं तक भी पावर करो 6 ही रहता है, 5 की कहीं तक भी पावर करो 5 ही रहता है। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पर, 3 की पावर कितना है, 57, तो 3 तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले इसको देखते हैं 3, तो इसे हम 3 लिखेंगे और इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा 1, उतार ली 7, 4 चौक 16, 1, तो 3 की घात 1। 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बताया कुछ भी लिखा हो 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 पर 7 की घात कितनी लिखेंगे, इसे भाग करेंगे, तो शेष कितना बचेगा, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचे 2, 23, 4 पंजे 20, तो 3, 7 की घात 3, अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 की घात 3 3 ही होता है,
छह छह ही होता है और सात की घात तीन कितना होता है, अच्छा सात की घात तीन कितना होता है, थ्री फोर थ्री, तो यहां से भी क्या आ जाएगा तीन। अब तीन छिंग अठारह, तो आप आठ लेंगे और आठ किया चौबीस, तो चार लेंगे, तो आंसर क्या हो गया चार। यही समझ में आ गया अभी, इतना आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना समय कभी नहीं लगेगा। आपने सिर्फ यहां पावर देखनी है, तीन ये छह है, तो ये तीन के पावर एक आई थी, तो छह थी अठारह आठ, बस सेवन और सोल्व करना है, वो तीन आया तो आठ थी चौबीस, चार आ गए। बेहद आसान चीज है, और देखते हैं आगे जो चीजें ना समझ में आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जो भी ना आए वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और फिर लाइव क्लास में भी आप क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा फिर सिमिलर क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदली हुई है, कुछ वैल्यू चेंज है, बाकी चीजें समान है, तो बताइए क्या आएगा। सिक्स की थ्री की पावर 65, अरे इसको चार से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये तीन की घात 64 और एक 65, एक आ गया यहां पर। छह पर कुछ भी घात हो छह ही रहता है, और सात इसको चार से भाग दे देंगे, चार एकम चार बचे तीन, चार सत्ते 28, तीन यहां बचे, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, तीन छह 18 तो आठ आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 343, 343, तो ये कितना आ गया तीन ही आ गया, आठ दिया 24, तो चार आ गया, यही आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए बात, स्क्वायर क्यूब याद करते चलिए, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, ठीक है, ये मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और कहां तक 25 तक जरूर याद करने, वन का क्यूब, टू का क्यूब, और अब टू कहां था 12 के क्यूब तक, ये आपको याद करने, ये चीजें याद होनी चाहिए, ये याद होंगी तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे, और भी चीजों में, यहां तक तो 10 तक ही काम चल जाएगा, लेकिन और क्वेश्चनों में चीजें मदद करेंगे। आगे, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन, अब इसमें आपको इकाई का अंक याद करना है। देखो बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बड़ा सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि आप देखते ही बता सकते हो। सेकंडों का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं किस तरह से सेकंडों में क्वेश्चन होता है, या आप चीजों को समझ लेते हो। ठीक है, आपने टिक कर लिया अपना आंसर, समझते हैं इसको। देखिए ये कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, हमें तो मतलब केवल फोर से है, और यहां पर इसमें चार का भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वही घात रखनी है, ठीक है, ओके। और यहां पर ये क्या आ रहा है पांच, अब पांच आएगा तो पांच ही रहेगा, पांच आएगा बच्चों तो क्या रहेगा पांच ही रहेगा, जीरो एक पांच छह ये नहीं बदलते हैं। उसके बाद यहां एक आ रहा है अंत में, फिर घात कोई भी हो एक ही रहेगा, पांच एकम पांच है ना, फाइव वन जब फाइव, और फिर यहां फोर की पावर, तो चार पंजे बीस, अभी तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन एक बात और समझिए, तो चार पंजे बीस, इकाई का अंक क्या आ गया जीरो, आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है, आपने टिक कर दिया। लेकिन और कैसे इसको हम जल्दी कर सकते हैं, और कैसे जल्दी कर सकते हैं, एक सिंपल सी चीज याद रखिए, 5 इंटू ऑड यानी विषम, पांच में ऑड की गुणा करते हैं तो अंत में पांच मिलता है, और पांच में सम की गुणा करते हैं, इवन की गुणा करते हैं तो जीरो मिलता है। अभी क्वेश्चन देखिए,
हाँ, पांच में एक की गुणा होगी, पांच रहेगा, और ये चार, चार पर कोई भी घात रख लो, ये कभी सम होगा विषम होगा नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा सम। और पांच में जब सम की गुणा होती है तो क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। अभी तो बताया आपको पांच में सम की गुणा करने पर जीरो आता है, तो आप एकदम से टिक कर दोगे जीरो। उम्मीद करता हूं ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छी बात है। इस ऐसी चीजों को याद करके आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो और कुछ बताइए, जैसे मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको एक सिंपल सा, 273 की पावर 198, 1888 इंटू 255 की पावर 396 प्लस 821 की पावर 369 इंटू 73 की पावर 185 प्लस 286 की पावर 173 इंटू 4 6 0 1 3। कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको यूनिट प्लेस बताना है। देखो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप कोशिश करोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं बच्चों, अब आप यहां थ्री है, होगा अब देखते हैं किस तरह से फास्ट अप्रोच करनी है आपको। यहां पर थ्री लिखा है, थ्री पर ये पावर है। अच्छा एक बात सीखेंगे आप, समझेंगे कि कोई भी हमारा सम संख्या होती है और सम पर कोई भी घात है, 1 2 3 4 कुछ भी घात है, कोई भी पावर है, हमेशा सम ही आता है, इवन ही आता है। और विषम पर कोई भी घात है, कोई भी पावर है, तो विषम यानी ऑड ही आता है। बड़ा सिंपल है, सम पर कोई भी घात हो सम आएगा, विषम पर कोई भी घात हो विषम ही आएगा। तो अब यहां ध्यान दीजिए, पांच है, पांच में पांच आना है, जब पांच में पांच आना है, पांच और विषम, थ्री विषम है ना, ऑड है, तो पांच तो यहां से आ गए प्लस ये वन तो वन ही रहने वाला है इंटू थ्री, ये सॉल्व करना होगा वैसे आपको। इसको आप थ्री पर पावर है तो इसको चार से भाग लगा लीजिए, तो थ्री चार से भाग करेंगे, चार दुनिया आठ, चार एकम चार तो एक बचा, प्लस सिक्स का सिक्स रहता है और जीरो का क्या रहता है, जीरो, सिक्स का सिक्स रहेगा, जीरो का जीरो रहेगा, और जब जीरो और सिक्स की गुणा होगी तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये पांच है और ये तीन एकम तीन, तो टोटल क्या हो गया आठ, यही हो गया आंसर। यानी हमें ना तो ये सॉल्व करना पड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पांच की गुणा थी, और ये छह भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, यहाँ पे कुछ और भी होता, कुछ भी होता, जीरो की तो गुणा थी ना, जीरो कर देगा उसको, और आगे पांच की होती तो भी पांच से सम संख्या जीरो हो जाती, बस ये एक सॉल्व करना पड़ा और चीजें फटाफट हो गई। तो इस तरह की अप्रोच आपको रखनी है, जो चीजें यहाँ बताई जा रही है वो याद रखनी है, और फिर देखिए ये यूनिट प्लेस डिजिट कैसे आपका चुटकियों में क्वेश्चन होता है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहिए और अपने मैथ को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।